गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग, उसका बेसिक जर्नल एंट्रीज कॉन्सेप्ट रेशियो एटसेट्रा, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा। ये थ्योरिटिकल लेक्चर विथ जर्नल एंट्री है, ध्यान से सुनिएगा, आपको उम्मीद करूंगा 100% समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मीनिंग जानिए। एक पार्टनर अगर अपना नाम पार्टनरशिप से विथड्रॉ कर लेता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। व्हेन ए पार्टनर विथड्रॉ हिज नेम फ्रॉम द पार्टनरशिप, इट मीन्स रिटायरमेंट। तो ओल्ड पार्टनरशिप जो था वो कम्स टू एंड, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो जाएगा, पुराना पार्टनरशिप फर्म जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होके एक नया फर्म का रूप पकड़ लेगा। तो विड्रावल ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में से आप ऐसे समझो कि पार्टनर के रूप में एक्स वाई जेड था, वाई बोलता हम रिटायर हो जाएंगे, तो ये जो फर्म था ये फर्म एंड हो गया और एक न्यू फर्म आया और उसमें पार्टनर हुए एक्स और जेड। वाई को हम लोग रिटायरिंग पार्टनर बोल सकते हैं, वाई रिटायरिंग पार्टनर कहलाएगा, और एक्स जेड जो नया फर्म में चला गया इसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर होगा उसको रिटायरिंग पार्टनर के नाम से जानेंगे और जो पार्टनर लोग रह जाएंगे वो रिमेनिंग पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात उठता है रिटायरमेंट क्यों होता है। तो ड्यू टू ओल्ड एज, या बोल सकते हो किसी पार्टनर का हेल्थ खराब है, बैड हेल्थ, या उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गया है, एक पार्टनर का अदर पार्टनर से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या पार्टनर को फिनेंशियली जरूरी है पैसे का, और भी कोई रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन के चलते अगर कोई पार्टनर अपना विलिंगली पार्टनरशिप फर्म से हट जाता हो, सेपरेट हो जाता हो, तो उसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। अब थोड़ा सा रेशियो के बारे में सोचिए। एक्स वाई जेड जब पार्टनर था तो से उनका रेशियो था 3:1, इसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब वाई के रिटायर होने से पार्टनर बच गया एक्स जेड, तो वाई रिटायर हुआ तो एक्स जेड के बीच में रेशियो हो गया 3:1, तो इसको बोलेंगे न्यू रेशियो। तो पहले प्रॉफिट तीन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिटायरमेंट के बाद अब दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स एक्स एंड जेड गेन्स, एक्स और जेड को गेन होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो देयर फोर एक नया रेशियो आएगा जिसको बोलेंगे गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो आया क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे, जैसे यहीं पे निकाल के दिखा देते हैं, एक्स और जेड, एक्स का न्यू रेशियो हुआ 3:4 और जेड का हुआ 1:4, माइनस ओल्ड रेशियो था 3:6 और माइनस 1:6। एलसीएम लेंगे 24:18 और 12, दैट इज 6:24। इसका भी एलसीएम होगा 24, 6-4 दैट इज 2:24, देयर फोर गेनिंग रेशियो विल बी 6:2 दैट इज 3:2। तो ऐसे करके ये रेशियो और नाम का बात है, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसको रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं और जो पार्टनर रह जाएगा उसको रिमेनिंग पार्टनर बोलेंगे। पहले तीन पार्टनर के बीच में जो रेशियो था ओल्ड रेशियो, दो के बीच में जो रेशियो होगा न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का जरूरत होता है एक ही काम में, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गेनिंग रेशियो का मात्र एक काम है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। चलिए हम लोग चलते हैं रिटायरमेंट में हम लोग को क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। ठीक है, एक नंबर हम लोग स्टेप के रूप में लेंगे गुडविल। गुडविल का काम करेंगे जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर ऑफ गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी एडजस्टेड अमोंग रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। इसीलिए गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा। शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू लो इनटू हिज शेयर, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर ले लो। आ गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका एंट्री कैसे करेंगे, वो मेन चीज होता है एंट्री। तो एंट्री होगा, एंट्री होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये इसका एंट्री है। इसको और एक वे से कर सकते हो, से एक्स वाई जेड है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल अलग एक तरीका से किया जा सकता है। से एक्स वाई जेड पार्टनर है, पहले आप गुडविल को रेज कीजिए, और रेज करना है याद रहे ओल्ड रेशियो में। जब ओल्ड रेशियो में रेज कीजिएगा तो तीनों को मिलेगा, फिर आप उसको रिटेन ऑफ कीजिए। रिटेन ऑफ याद रहे न्यू रेशियो में, जब रिटेन ऑफ कीजिएगा तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको नहीं मिलेगा, अदर्स को मिलेगा। इसके बाद आप कीजिएगा तो ये वाला माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो एंट्री हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखिए तो ये दोनों हुआ रिमेनिंग पार्टनर, ये अकेला हो गया रिटायरिंग पार्टनर। तो बात तो एक ही हो गया, उस वे से करे या इस वे से एडजस्टमेंट सेम होगा। तो एक स्टेप होता है गुडविल, और गुडविल का काम हम लोग इस वे से कर देंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर टू की तरफ आते हैं। टू नंबर हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जैसा हम लोग एडमिशन में सीखे थे वही चीज है, रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या होता था, एक नंबर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का दाम इंक्रीज कर गया तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाई में चला जाएगा। तो इसके बाद ये इसका आता था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स,
अगर एसेट्स का दाम गिर गया तो इसी का उल्टा एंट्री करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसके साथ आता था लायबिलिटी का इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का दाम बढ़ गया, लायबिलिटी जनरली क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और एक आता था डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो गया तो एंट्री करते थे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन 100% एडमिशन का चैप्टर में जो सीखे थे वही है, एसेट का दाम बढ़ गया, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गया। इसके बाद आ सकता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, याद करिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद है आपको ओल्ड रेशियो से। लास्ट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उल्टा एंट्री हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद है ये भी होता था ओल्ड रेशियो। अगर हम उसको अकाउंट वे में आपको समझाने का कोशिश करें तो एक होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट बढ़ गया तो बाई में आता था ए प्लस, एसेट घट गया तो टू में आया ए माइनस, अगर लायबिलिटी बढ़ गया तो टू में आया एल प्लस, कम हो गया तो बाई में आया एल माइनस। अगर इधर आंसर आया तो प्रॉफिट, अगर इधर आंसर आया तो लॉस। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें कुछ नया नहीं है, आप अगर एडमिशन जानते हो तो एडमिशन से ही समझ जाओगे। इसके बाद आता था इसमें पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से। एक नंबर का बात करते हैं, पास्ट प्रॉफिट्स सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। बैलेंस शीट में ये सब लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा। तो ये पास्ट प्रॉफिट्स है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में, से पास्ट प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रहे ओल्ड रेशियो। ऐसा ही हो सकता है पास्ट लॉसेस, पास्ट लॉसेस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से गुडविल, ठीक है, ये होगा एसेट साइड। बैलेंस शीट का एसेट साइड में ये सब दिख रहा है, तो ये सब पास्ट लॉसेस है, इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पास्ट लॉसेस अकाउंट, ये भी जाएगा आपको ओल्ड रेशियो में। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस हो तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और लास्ट में होता है स्टेप फोर कैपिटल। जो पार्टनर रिटायर होगा उसका कैपिटल का ही हम लोग यहां पे कैलकुलेशन कर रहे थे कि उसका फाइनल क्लेम कितना होगा, उसको रिटायरमेंट के वक्त में फाइनली हम लोग को कितना पैसा का हिसाब आया, तो उसके हिसाब के लिए उसका कैपिटल का बैलेंस होगा पास्ट प्रॉफिट लॉसेस, प्रॉफिट प्लस लॉसेस माइनस होगा, गुडविल का हिसाब देंगे, रिवैल्यूएशन प्लस माइनस होने के बाद जो फाइनल इसका अमाउंट स्टैंड करेगा उसको बोलते हैं एक नंबर, बोलते हैं अमाउंट पेड कर दीजिए। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दे दीजिए तो एंट्री हो जाता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एक होता है कि उसको पेमेंट दे दीजिए तो कैपिटल टू कैश या बैंक होता है। अब बी नंबर होता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू लोन। एक होता है अभी पेमेंट मत दीजिए, पैसा नहीं है, लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम लिख देंगे लोन अकाउंट, और ये लोन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और एक होता है पार्टली पेड एंड पार्टली ट्रांसफर टू लोन, कहने का मतलब दोनों काम करना है, थोड़ा पेमेंट देना है और थोड़ा लोन में ले जाना है, तो एंट्री हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट जो देंगे उसके लिए कैश बैंक अकाउंट और जो लोन में ले जाएंगे टू डॉट डॉट लोन अकाउंट। ऐसे करके रिटायरमेंट का एंट्री सोचेंगे। और लेजर अगर बनाते हैं लेजर, तो लेजर में बात वही है, एक नंबर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और दो नंबर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। तो ये हो गया पूरा रिटायरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप रिटायरमेंट का सम बनाते हो तो आपको सबसे पहले स्टेप याद रखना होगा। स्टेप नंबर वन, हम लोग सबसे पहले गुडविल का काम करेंगे। फर्स्ट वर्क हम लोग का स्टेप वन, अगर आप देखो तो स्टेप वन देखो, सबसे पहले हम लोग गुडविल का काम करेंगे। गुडविल का काम करने के बाद स्टेप टू हम लोग रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। रिवैल्यूएशन का काम करने के बाद स्टेप थ्री हम लोग पास्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट स्टेप फोर, पार्टनर का कैपिटल का हिसाब करके पेमेंट कर देंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे, या बोल सकते हो बोथ, थोड़ा पेमेंट थोड़ा लोन। आप धीरे धीरे वीडियो को सुनिए, सारे स्टेप को ध्यान रखिए धीरे धीरे। और एडमिशन चैप्टर अगर आपका सीखा हुआ है तो एडमिशन से मैच कराइए, कुछ नया नहीं है, आपको आराम से समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।